वेलकम स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स क्लास टेंथ में टॉपिक चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इससे पहले मैंने आपको पॉलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट करा दिया है, वो मेरा पहला वीडियो था, लेक्चर नंबर 1 था उसमें। अब ये लेक्चर नंबर 2 है और अब मैं आपको इसमें स्टूडेंट्स रिलेशन से बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ये बताने जा रहा हूँ, और इसके साथ साथ रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ये दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये स्टूडेंट्स, तो ज़रा देखेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है मेरा आज का, इसका नंबर 1 रिलेशन से बिटवीन रिलेशन बिटवीन द जीरोज बिटवीन द जीरोज एंड एंड कोफिशिएंट ऑफ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यह है बच्चों। तो पहला टॉपिक है आज का, तो रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, इफ लेट करते हैं, अब हम लेट अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा बी द फैक्टर ऑफ पी एक्स। जब इसके यहाँ तब इसके जीरोज हैं तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा आर द जीरोज ऑफ द यानी फैक्टर ऑफ द दिस पॉलिनोमियल, देन वी हैव ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू नाउ के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा वेयर के इज ए कॉन्स्टेंट, वेयर के इज ए कॉन्स्टेंट। स्टूडेंट ये के यहाँ पर क्या है, ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेंट। क्लियर हो रहा है भाई बच्चों, ठीक है, चलिए जब आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब इसके बाद देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू इतना है यहाँ पर, तो मैं इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करूँगा स्टूडेंट्स, हैंस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू के, इनका करूँगा मैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने पर जो स्टूडेंट जो आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस अल्फा एक्स आएगा, माइनस बीटा एक्स आएगा, बट मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स आ गया और प्लस का आएगा अल्फा बीटा, ये मैंने मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर ऐसा कर दिया है। अब स्टूडेंट्स मैं इसको कंपेयर करूँगा, यानी के से भी मैं इसमें मल्टीप्लाई कर सकूँगा स्टूडेंट, चलिए मल्टीप्लाई करता हूँ उसको, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा, और ये है ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी। स्टूडेंट्स कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म। ओके स्टूडेंट्स कंपेयरिंग कंपेयरिंग द कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म एंड कॉन्स्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड, कॉन्स्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड। वी गेट, तब देखो बच्चों क्या आएगा यहाँ पर, देखिए कंपेयर कर रहा हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर के हाथ में k है और एक्स स्क्वायर के हाथ में a है, तो k इक्वल टू a आ गया। कितना हो गया जी, k इक्वल टू a आ गया, और x के हाथ में यहाँ पर इतना है और x के हाथ में b है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, b इक्वल टू माइनस k अल्फा प्लस बीटा एंड c इक्वल टू आएगा k अल्फा बीटा। स्टूडेंट्स देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं इसको k की वैल्यू अगर मैं यहाँ a रख देता हूँ तो ये कितना आएगा, देखिए b इक्वल टू माइनस a, k की वैल्यू को मैंने यहाँ a पुट कर दिया है, ये इतना आ गया, और k की वैल्यू को यहाँ पर भी मैंने पुट कर दिया है, ये अल्फा इंटू बीटा, दोनों जगह k की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो हैंस स्टूडेंट्स इससे क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो ये आ गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या हो गया, इससे क्या हुआ कि सम ऑफ जीरोज है ना, हैंस स्टूडेंट्स इससे क्या आया, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आया, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस बी, जो बी क्या है, कॉफिशेंट ऑफ एक्स है, इसको मैं लिखूँगा, ये कॉफिशेंट को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, कॉफिशेंट ऑफ एक्स बाई ये आएगा कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा है एंड इसको भी ऐसे लिखूँगा मैं स्टूडेंट्स, देखिए इसको लिखते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है स्टूडेंट, ये सम ऑफ जीरोज था, अल्फा प्लस बीटा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा है, ये कितना है, सी बाई ए आया है यहाँ पर ये, और सी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स, ये कॉन्स्टेंट टर्म्स बाई कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक एक रिजल्ट यहाँ से हमारे पास आ गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इसको यहाँ पर इसका बहुत यूज़ करने वाले हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसके लिए, अगर आपको यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना स्टूडेंट्स के जो होता है, मैं आपको एक बार यहाँ पर बात याद दिला दूँ स्टूडेंट्स, जो के है यहाँ पर, जो मैंने लिखा है यहाँ पर के, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा, तो इसमें यहाँ पर ना के का कोई भी ऐसा वो नहीं है, के से कोई वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको मैं सिंपली अगर हटा के लिखूँ तो वो भी मैं ऐसा यहाँ पर कर सकता हूँ स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं आपको अपने नेक्स्ट, मैं आपको इसका करके दिखाता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर, देखो बच्चों अब जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको एक बात याद रखनी है फॉर रिमेंबर इट,
ये रिमार्क है, ये आपको याद रखना है, मैं यहाँ पर इसका यूज़ करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कैसे होगा। जो मैंने यहाँ पर इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पी एक्स, तो देखिए इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स, देन पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये ऐसा लिख सकते हैं इसको, या मैं स्टूडेंट्स इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ के माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट देख पाएंगे वेयर के इज ए एनी कॉन्स्टेंट, वेयर के इज ए कॉन्स्टेंट द पॉलिनोमियल द पॉलिनोमियल कैन ऑल्सो स्टूडेंट्स जस्ट वेट, देखिए द पॉलिनोमियल कैन ऑल्सो बी रिटन एज ऑल्सो रिटन विदाउट द कॉन्स्टेंट विदाउट द कॉन्स्टेंट के, दैट इज पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एल्फा बीटा। तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता उसको, अगर हम इसको ऐसा लिख देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला स्टूडेंट्स, ठीक है ना, यहाँ पर के से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बात ध्यान रखें आप इस बात को जो। तो अब है एक और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर टू आज का, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा बता दूं आपको फ्रेंड्स, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल ठीक है स्टूडेंट्स, देख गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, देन क्या क्या है, देखिए जो पी क्यू पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके स्टूडेंट्स, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन देन एक्स माइनस अल्फा कॉमा एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा इज ए या गामा आर फैक्टर ऑफ पी एक्स। जैसे मैंने पहले वाले में बताया था वही सेम चीज़ यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं स्टूडेंट्स। मैं भी यहाँ पर ऐसे ही एक रिलेशन बनाऊँगा यहाँ पर, ठीक है। देन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, ये आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इन तीनों करूँगा यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा स्टूडेंट्स वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू के, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्स क्यूब, और फाइनली जो मल्टीप्लाई करने पाएगा माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर एंड नाउ प्लस, देखिए प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इनटू एक्स एंड नाउ माइनस अल्फा बीटा गामा, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने पर। और मैं के से मल्टीप्लाई करूँगा इन सब में, और फिर मैं इक्वेटिंग करूँगा कॉफिशेंट्स को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इक्वेटिंग द कॉफिशेंट्स या कंपेयरिंग द कॉफिशेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, कंपेयरिंग द कॉफिशेंट्स ऑफ, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, कंपेयरिंग कंपेयरिंग द कॉफिशेंट्स ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म्स ऑन बोथ साइड, देन वी हैव, देखिए स्टूडेंट्स मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, तब देखिए कितना आएगा यहाँ पर कंपेयर करने पर, और ये आएगा देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर k की वैल्यू जो आएगी ना वो वन, k की वैल्यू a आ जाएगा, और देखिए यहाँ पर आएगा माइनस k अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू जो आएगा वो b हो जाएगा, और देख पाएंगे आप यहाँ पर k अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू जो आएगा यहाँ पर ये c आएगा, और एक और है k अल्फा माइनस का k अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू d आएगा। तो अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, k की वैल्यू को इन सब जगह में यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो ये पुट करूँगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर k की वैल्यू को मैं यहाँ सब जगह पुट करूँगा, तो जो रिजल्ट आने वाला है मेरे पास वो यहाँ पर ये रिजल्ट्स आने वाले हैं। देखिए कौन कौन से रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर, देखें देखिए मैं k की वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू ए है तो माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखेंगे आप यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू आ गया माइनस का बी अपॉन ए, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद इसकी वैल्यू को यहाँ भी रखूँगा मैं, इसमें भी, तो ये आएगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल्स टू के वैल्यू ए रखा तो ए अपॉन में आ जाएगा सी अपॉन ए आ गया स्टूडेंट्स। सिमिलरली ये वैल्यू मैं यहाँ भी रख रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स ये कितना आ जाएगा अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस का डी अपॉन ए आ गया स्टूडेंट्स, माइनस का डी अपॉन ए, माइनस का डी अपॉन ए,
तो आप इससे देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये प्रूव हो गया सम, ये फॉर्मूला आ गया यहाँ पर, इसी को यहाँ पर हम, ये क्या है कॉफिशेंट ऑफ, उसकी टर्म में हम यहाँ पर लिख पाएंगे आसानी से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको इसकी टर्म में यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं लिखते हैं अभी। ओके हैंस स्टूडेंट्स, ये जो आ रहा है ना यहाँ पर हैंस, सम ऑफ जीरोज हैं ये, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वस टू माइनस, ये कॉफिशेंट ऑफ किसका कॉफिशेंट्स है यहाँ पर, ये कॉफिशेंट ऑफ बी क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बी कॉफिशेंट एक्स स्क्वायर, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये है कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब। सिमिलरली ये भी यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वस टू कितना है यहाँ पर, सी अपॉन ए है, सी किसका कॉफिशेंट है एक्स का, तो स्टूडेंट्स कॉफिशेंट ऑफ एक्स बाई कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब, कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब। अब एक और रह गया यहाँ पर है, लास्ट वन अल्फा बीटा गामा इक्वस टू माइनस डी अपॉन ए, डी क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये इनमें एक रिलेशनशिप आ जाता है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया सबको एकदम बढ़िया से? ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको, ये मैंने आपको यहाँ पर सब बता दिया है इसका बेसिक जितना भी था ये, अब मैं इसके क्वेश्चन जो है ट्राई करूँगा। अब इसमें एक चीज़ और रह जाती है बाई क्वाड्रेटिक का, देखो आपके यहाँ पर नहीं है, ये वेरीफाई कर दें यहाँ पर मैंने इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं अब ग्राफ का बात, ग्राफ है एक चीज़ और आएगी यहाँ पर, नेक्स्ट नंबर है ग्राफ का, अगर कोई भी किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर हम बनाते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ग्राफ है कोई भी, बस वो लास्ट टॉपिक और रह रहा है, मैं उसे समझा दूँ फिर हम एक्सरसाइज पर आएंगे, सीधे ही हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो अभी जो है मैं आपको इसके ग्राफ के बारे में थोड़ा समझा रहा हूँ। पहली जो एक्सरसाइज है आपकी पॉलिनोमियल की, जैसे ग्राफ है कोई भी किसी भी पॉलिनोमियल का, हमारे पास ग्राफ है स्टूडेंट्स, ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल, नेक्स्ट नंबर है ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया बात आ रहा हूँ मैं आपको, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करता है उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, बस इतना एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एक्सरसाइज नंबर 2.1 में। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी मेरे पास एक ग्राफ है, सपोज कर लीजिए एक ग्राफ मेरे पास ये है, ऐसे ये ग्राफ बनना है, कर्व है, ये पॉलिनोमियल है, क्या है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पी एक्स है, पॉलिनोमियल ये पी एक्स है, पी एक्स का ग्राफ मुझे यहाँ पर गिवन है नंबर वन, तो ये एक्स एक्स को टू टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है ना, दिस इंटरसेक्ट एक्स एक्स एट टू। देखिए सिंस द ग्राफ, सिंस द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल सिंस द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स कट्स एक्स एक्सिस, पी एक्स कट्स एक्स एक्सिस, कट एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट्स देन द नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू टू। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक्स जितनी बार भी एक्स एक्सिस को ग्राफ इंटरसेक्ट करता है
उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे मैं और कोई ग्राफ यहाँ पर ले रहा हूँ, जैसे मैंने कोई एक और ग्राफ यहाँ पर लिया है, ये है, चलिए तो ऐसे ही बन गया, चलो एक और ऐसे कर दिया मैंने यहाँ पर। अब ये कितनी बार कर रहा है इंटरसेक्ट, ये वाई इक्वल टू पी एक्स एंड पी एक्स केवल ये है कर्व है ये, तो सेम वही लिखूँगा यहाँ पर भी, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट द थ्री पॉइंट्स देन नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू थ्री। अगर कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पर इंटर नहीं कर रहा था, उसके नंबर ऑफ जीरोज ज़ीरो होंगे, ये ध्यान रखना है बस, ठीक है स्टूडेंट्स। किसी भी कर्व का ग्राफ, चलिए कुछ ऐसे बन गया, मान लीजिए अभी एक ही बार कर रहे हैं यहाँ पर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये ओरिजिन है यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू वन, ठीक है समझ में आ गया ना। एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटर करता है उसके उतने ही हम नंबर ऑफ जीरोज करते हैं। नंबर फोर एक और मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, कोई भी एक कर्व लिया मैंने एक और स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कर्व कुछ ऐसा बन गया है। अब ये जो कर्व है पी एक्स, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो नो नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है ना। नंबर ऑफ जीरोज देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसके यहाँ पर, अब कहीं पर नहीं कर रहा ना इंटरसेक्ट, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखिए नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज ज़ीरो होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको चैप्टर नंबर टू का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो आपको मैंने सारा क्लियर करा दिया है। अब जो मुझे कराने हैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, तो चलिए मैं आपको अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।